की बड़ी खबर आ रही है, महिला आरक्षण बिल को सूत्र कह रहे हैं कि कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 33% महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, सूत्र ऐसा दावा कर रहे हैं। कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है, तो बड़ी खबर। अभी हम आपको न्यूज की पाठशाला में बता ही रहे थे कि हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल ला रही है और हो सकता है कि नए संसद भवन में पहला बिल महिला आरक्षण बिल हो सकता है। और अभी जानकारी मिल रही है कि जो ये कैबिनेट की बैठक हुई थी, जो 1.5 घंटे चली और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई थी, उसमें अंदर महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और ये ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 3 दशक से ये बिल अटका हुआ था, कई बार आया सदन में लेकिन पास नहीं हो सका। और अब 33% महिला आरक्षण बिल को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। लोकसभा में और राज्यसभा में अब इस बिल को पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? मिल गई है 33% आरक्षण जो महिला को दिया जाएगा उस पर मंजूरी मिल गई है। बिल में किस तरह से प्रावधान होंगे, क्या होगा इसके बारे में, जब बिल सबमिशन होगा तब इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जो फिलहाल जो सबसे बड़ी बात जो जानकारी आ रही है कि अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो भी सारी चीजें कैबिनेट की बैठक है उसमें कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका। अमित हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी सिर्फ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल सरकार ला रही है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन बिल का स्वरूप क्या होगा ये अभी बहुत साफ नहीं। इस पर और जानकारी